नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज 24 और मैं संवाददाता सोन कुमार। जैसा कि आज रोहतास जिले के हम तिलौथू प्रखंड जगदेव चौक पर उपस्थित हैं, जहां देख सकते हैं कि 22 मार्च को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी जनता से, उस अपील को जनता ने सम्मान के रूप में लेते हुए सभी लोग आज अपने घर पे हैं और अपने घर पर रह करके उनके अपील को सम्मान दे रहे हैं। आप देख सकते हैं तिलौथू प्रखंड में दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है आपको। यहाँ पर सारे जो मार्केट हैं वो बंद हैं, यानी कि सभी लोग जनता जो है उनके सम्मान में आज सभी लोग अपने घर पे हैं। और उसके बाद में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस बात को लेकर के आह्वान किया था और जनता से अपील की थी कि हो सके तो रात 9 बजे ही नहीं बल्कि पूरी रात वो अपने घर पर रहें। इसलिए आप देख सकते हैं कि तिलौथू प्रखंड में दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ। कैमरामैन आप थोड़ा उधर दिखाइए, दूर दूर तक कोई नहीं है, यहाँ पूरा अपने घरों में है। जैसे कि आज रोहतास जिले के तिलौथू प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में है, यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जो कि गाड़ी के ऊपर बैनर लगा करके और माइक के द्वारा लोगों के बीच जागरूक करने का एक प्रयास किया जा रहा है, ताकि लोग अपने घरों में रहें और घर पर रह करके इस रोग से बचें और लोगों को जागरूक करें। आइए हम बात करते हैं यहाँ के डॉक्टर से। इसका तैयारी कोरोना वायरस को लेकर कितना है? यहाँ पर जितना भी है कि हम लोग हमेशा एक्टिव हैं, सारा मेंबर लेके, सारा टीम लेके, नर्सिंग स्टाफ, मेरा नर्सिंग स्टाफ, मेरा फोर्थ फ्लोर स्टाफ सारा एक्टिव है। जैसे कोई आएगा उसका तुरंत जांच करके, उसका तुरंत जब उसको लगेगा कि हाँ इसको ऐसा है तो तुरंत उसको भेजने की सुविधा बनी हुई है। जो एक आइसोलेटेड गाड़ी है उसमें उसको डाल के तुरंत उसको जमुआर में भेजा जाए। जैसे सर अभी इस गाड़ी से प्रचार चल रही है, हाँ तो इस गाड़ी से प्रचार चल रही है कि हम आप लोग से आह्वान कर रहे हैं कि देखिए हमारा नहीं है, हम सबका है और आप लोग आज कम से कम सतर्क होइए, 24 घंटा के लिए कम से कम आइसोलेटेड होइए, ताकि जो कोरोना वायरस का जो चैन है वो टूट जाए। ये 12 से 24 घंटा तक ये जिंदा रहता है, इसके बाद अगर एक दूसरे में नहीं जाए तो ये वहीं पर इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। उस चीज़ के लिए अपील कर रहे हैं जनता लोग से कि आप लोग आज कम से कम संयम बरतें, घर में रहें और एक दूसरे से ना मिलें, इसके लिए प्रचार कर रहे हैं और इसमें सहयोग दें ताकि एक दूसरे को ना हो। आपका नाम सर? मेरा नाम हुआ डॉक्टर दयानंद प्रसाद, मरीज आया है।